अंतस योग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुड हेल्थ के लिए आपको कुछ योगासन बताएंगे। आप समझ भी नहीं सकते कि सिंपल सा योगासन करने से आपको कितने लाभ पहुंच सकते हैं। अगर आप बहुत मोटे हैं तो भी इसका फ़ायदा उठाकर पतले हो सकते हैं। शरीर और मन को तरोताज़ा करने, उसकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने में सभी योगासनों का अलग अलग महत्व है। तो कीजिए अर्धचंद्रासन, बैलेंसिंग पोस्चर, माइंड की एकाग्रता के लिए, साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस के लिए। सेहत के सुखों का दीपक चारों दिशा जले। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है, और तीनों के स्वस्थ रहने से ही आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है, बल्कि इसे अपनाकर आप कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से बच सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपका पेट खराब रहता है या आप पेट में ब्लोटिंग को, भारीपन को महसूस करते हैं या आप कुछ भी खाने पीने से डरते हैं, तो ध्यान रखिए आपको ये योग करना है। जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, यूरिन एंड पेट की प्रॉब्लम में फ़ायदा होता है। जेनिटल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, क्योंकि आपके स्वस्थ रहने के लिए आपके पाचन तंत्र को ज़रूर ठीक होना पड़ेगा। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अधोमुखी श्वानासन, क्षमतानुसार होल्ड कीजिए। तन मन में ये चेतना भरता योग है अपनी शान। ये आसन करने के बाद आपके शरीर को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। पेट, पीठ, कमर और डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया आसन है। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए रोज सुबह उठकर इसको करने से आपके शरीर को लाभ ही लाभ होगा। दूसरा, थाइस के फैट्स को रिड्यूस करने के लिए सांस को भरकर ऊपर देखिए, मैक्सिमम पैर को उठाते हुए दोनों पैरों से 5-5 टाइम्स। अगर आपको कंधे में दर्द रहता है और आप दवा खाते खाते परेशान हो चुके हैं, तो आपको ये आसन करना चाहिए, पूर्वोत्तानासन। कंधों के दर्द को दूर करने के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में बहुत फायदा करता है ये आसन, साथ ही साथ कमर की चर्बी को रिड्यूस करने के लिए। इस आसन को अपने रेगुलर अभ्यास में जरूर शामिल कीजिए, 5 से 10 बार इसका अभ्यास। योगाभ्यास इंसान के संपूर्ण विकास के लिए सबसे सरल उपाय है। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक फायदे भी होते हैं। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारी श्वसन क्रिया अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ हमारा मेटाबॉलिज्म में बैलेंस रहता है और वजन कंट्रोल होता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए। जानू शीर्षासन, अगर आपके शरीर में और पीठ में दर्द रहता है तो आपको इस योगासन की ज़रूरत है। पीठ का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम में बहुत फायदेमंद आसन, पेट की चर्बी को कम करने के लिए। इस योग के फायदे ही फायदे हैं, इसीलिए अपने इसे डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए, दोनों तरफ से 5-5 टाइम्स। विज्ञान कहता है योगा करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से दिमाग हमेशा टेंशन फ्री रहता है, साथ ही साथ फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, पाचन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये सभी एक्सरसाइज बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, सजगता, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती है। आधुनिक युग में योग का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मानसिक रूप से स्ट्रेस रहने की वजह से है। आधुनिक समय में मनुष्य को आज ज़्यादा योग की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बहिर्मुखता और अंतर्मुखता में संतुलन नहीं रहा। अधिकतर लोग बहिर्मुख जीवन जीने में ही आनंद लेते हैं, जिसका परिणाम संबंधों में तनाव और अव्यवस्थित दिनचर्या के रूप में सामने आया है।
इन सभी आसनों का अभ्यास करके आप अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं और हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अंतस योग।